डीक के दौरे पर आज रहेंगे, जहां पर वो श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए डीक के दौरे पर आएंगे, क्या कुछ उनका वहां पर समय रहेगा आने का, क्या कुछ उनके वहां पर कार्यक्रम रहेंगे? जी श्वेता, देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ब्रज में काफी धूम इसकी मची हुई है। ये कोसी का लोटा डीग में आता है, करकम्मा मार्ग में 1.5 किलोमीटर का। यहाँ सीएम भजनलाल का आज यहाँ प्रस्तावित दौरा है और यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 10:15 बजे का शेड्यूल्ड उनका निर्धारित समय आने का है, हेलीपैड पर आएंगे। उसके बाद मुकुट मुखारविंद पर कार्यक्रम है, फिर श्रीनाथ जी परिसर में आएंगे, जो परिसर में यहाँ वो आएंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी पंकज, सीएम वहां पर आ रहे हैं हर विशेष मौके पर। अगर देखें तो सीएम वहां पर आते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि सीएम श्रीनाथ जी को खास मानते हैं। वहीं सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव पर्व भी है, तो ऐसे में भरतपुर में लोगों की काफी भीड़ वहां पर उमड़ती है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए? जी देखिए, बिल्कुल सही है, आज क्योंकि जन्माष्टमी भी है, काफी भीड़ होती है और आज क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में भीड़ तो काफी है ही है यहाँ ब्रज में। इसी के साथ खास जब हो जाता है कि यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा आ रहे हैं, अब मेरे साथ संभागीय आयुक्त हैं जो भरतपुर संभागीय आयुक्त श्यामल वर्मा, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबन ने, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबन ने, और सर बताएंगे सीएम साहब आ रहे हैं आज। क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जन्माष्टमी पर जी देखिए, अभी हमारे साथ भरतपुर संभागीय आयुक्त सामरल वर्मा जुड़े थे, उन्होंने बताया काफी डाक चौवन व्यवस्था सीएम के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या दर्शन करने की व्यवस्था को लेकर के, और उन्होंने साथ में सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं मैं बताना चाहूंगा, ये डीग जिले में ये पोथी का लोटा आता है, ये ग्राम पंचायत है, इसी में ये मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर में सीएम भजनलाल जी। पंकज, मंदिर में आपके साथ बहुत भक्तगण जो है वहां पर मौजूद है और काफी प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, कैसा उत्साह वहां भक्तों में है सीएम के आने का, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस अधिकारी भी वहां पर उपस्थित हैं? जी देखिए, यहां आप देख सकते हैं काफी लोग यहां पे दर्शनार्थी भी हैं, आप देख सकते हैं सीएम आ रहे हैं, उससे पहले जब यहां वो आएंगे तो यहां व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी, इनको थोड़ा सा रोक दिया जाएगा क्योंकि सीएम को लेकर की विजिट को लेकर दर्शन को लेकर के काफी यहां भीड़ भी हो सकती है, और क्योंकि पर्व भी है राखी पर्व, ये रक्षाबंधन का, क्षमा करें, कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भक्त हैं यहाँ पे जो श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, उनसे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। जी कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नोएडा से, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा। जी पहली बार आए हैं क्या? नहीं, मैं कई बार आया हूं। जी श्रीनाथ जी के दर्शन करें, परिक्रमा भी की होगी आपने, आपका नाम? अनिता जी हैं, ये भी नोएडा से यहाँ आए हैं, और काफी आप देख सकते हैं काफी दर्शन, अब इसके बाद भी और कहीं कहाँ जाने का आपका? वृंदावन। वृंदावन ये जाएंगे वापस, आप भी देखो नीचे कैमरामैन से कहूंगा भक्तों को दिखाएं, माताएं बहने भी हैं यहाँ पे और काफी सारे भक्त हैं यहाँ पे जो शुरू से सुबह से ही यहाँ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, अभी अभिषेक हुआ है। जी आपका नाम? मेरा गणेश। जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। परिवार कैसा लग रहा है इधर, क्योंकि श्रावण का मंदिर है और कृष्ण जन्म उत्सव को मनाने आए, बहुत अच्छा, घरों में सब मनाते हैं अपने बच्चों का आज कृष्ण, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आनंद आया।
अच्छा हुआ। वक्त महिला ने कि काफी यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों के घर में तो हम मना आज कृष्ण भूमि जन्म भूमि है जहाँ जन्म लिया कृष्ण भगवान ने, और इसी तरह गिरिराजी की तलेटी में हम यहाँ जन्मदिन मनाने आए बच्चों का, कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुके हैं, आपका शुभ नाम? संदीप अग्रवाल एडवोकेट हूँ मैं, और आज अभिषेक करने का अवसर मिला ठाकुर जी का, पिछली बार भी बुलाया था ठाकुर जी ने जन्मअष्टमी पर, हम नसराबाद अजमेर, और आज ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, बहुत गदगद हो गए हमको, ठाकुर जी कृपा हो गई और कृपा बनी रहे सब पर। आज जन्माष्टमी है, सबको बधाई शुभकामनाएं, भगवान श्री कृष्ण की नीतियों पर चलने का संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनकी नीतियों पर चलकर देश को आगे बढ़ाना है, हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और इन्हीं की कृपा से आज मुख्यमंत्री बन पाए हैं, तो इन ठाकुर जी की कृपा बहुत असीम है, सब पर बनी रहे। आज मुख्यमंत्री पुणे यहाँ आ रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव पे, आप और क्या कहें? मुख्यमंत्री जी से जो ऊपर तो कृपा हुई है ठाकुर जी की, वो यहाँ आए थे पिछली बार और इन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि वो प्रदेश का विकास और बहुत तेज गति से करे और सभी का समान रूप से उनका सबका सम्मान करे और अच्छा विकास करे प्रदेश का, ये उनसे हमारी इच्छा है। जी देखिए अजमेर से जुड़े हैं, इन्होंने अभिषेक यहाँ किया है, बता रहे हैं कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की महिमा महिमा सीएम साहब का रही है, अटूट विश्वास यहाँ पर आए और आज ये आए, इनको भी अच्छा लग रहा कि सुख समृद्धि की और प्रदेश की विकास की कामना सीएम साहब से भी ये लोग करते हैं। कैमरा पर्सन शत्रुजन के साथ पंकज शर्मा, जन टीवी। जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।